स्किन केयर रूटीन वीडियो। अभी अभी शावर लेके आया है, शावर मतलब बाल धो के आए हैं मस्त। एंड यस, ये वॉच में बैटरी नहीं है, ये बंद है, बट आई स्टिल थॉट आई वेयर इट बिकॉज अच्छा लगेगा कि घर पे रहते वक्त ही कुछ अच्छी आइटम पहनी है। You've been asking for my skincare for a long time now, so here is my in-depth skincare video. मैं शावर में ऑलरेडी मेरा फेस वॉश करके आई हूँ, I'll show you what I washed it with, but first I want to tone my face. तो currently ये toner है जो मैं बहुत use कर रही हूँ, it's my favorite toner at the moment. I will link all the skincare below, but I request you कि अगर urgent ना हो तो please अभी मत ही मंगाओ, पूरा lockdown खत्म होने दो। So I just spread the toner all over my face and my neck and on my ears. My ears feel like कि कोई दूसरा ही body part मेरे पे लगा दिया गया है because they get so dirty so quickly. It's out of my understanding कि इतना गंदा कोई body part कैसे हो सकता है। Like मेरे पैर से ज़्यादा मेरे कान गंदे होते हैं। एंड कल तो मेरे ईयरफोन्स में से पीला पीला कचरा भी निकला था एंड बस इसको अंदर डालने के लिए आई। आई स्लैप माई सेल्फ, हल्के हल्के से ही करना, ज्यादा जोर से नहीं, अदरवाइज स्किन को बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो जाएगा। हल्के हल्के से मेरा और स्किन केयर का ऐसा रिलेशनशिप है कि आई टेंड टू फॉरगेट हाउ इम्पॉर्टेंट स्किन केयर इज। तो मेरा स्किन जब अच्छा चलता होता ना, आई थिंक कि है अच्छा ये स्किन केयर सब जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, नहीं लगाते। एंड जस्ट 4-5 days इफ आई डोंट डू माई स्किन केयर, माई स्किन रिमाइंड मी, लाइक सी माई चीक हियर राइट नाउ, काफ़ी स्पॉट्स निकल आए हैं। एंड दैट्स बिकॉज फॉर 5 full days आई डिड नॉट वॉश माई फेस, आई डिड नॉट अप्लाई एनी थिंग ऑन माई फेस एक्सेप्ट अ लिप बाम। एंड देन माई स्किन रिमाइंडेड मी कि हेलो बेटा, हमें भी धूल फंसती है, प्लीज़ साफ किया करो हमें। सो नाउ आई स्टार्टेड माई स्किन केयर अगेन एंड दैट्स वाई आई रश्ड विद द टोनर। ये वाला टोनर है फेस शॉप का पोमोग्रेनेट एंड कोलाजन टोनर। आई हैव हर्ड कि कोलाजन अच्छा होता है, प्लीज मेरे प्रोनाउंसिएशन का मजाक मत उड़ाना ओके। या हाँ, तो मुझे कोलाजन का एग्जैक्ट बेनिफिट नहीं मालूम, बट मैंने बहुत सुना है कि इट्स गुड फॉर द स्किन, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट दिस इज सुपर एक्सपेंसिव, तो ये खत्म हो जाने का जब मुझे डर रहता है तो आई यूज ये वाला टोनर, मैंगो सीड वाला। फर्स्टली अ बिग शॉट आउट टू फेस शॉप बिकॉज आई डोंट थिंक आई परचेज एनी ऑफ दिस विद माई ओन मनी। ये सब मुझे उनके साथ जब भी कैंपेन्स करती हूँ तभी ये प्रोडक्ट्स मिले हैं। एंड आई नेवर स्टार्टेड दिस टू गेन ऑल द फ्री स्टफ और द फ्री गुडीज फॉर माई सेल्फ, इसलिए आई फील लाइक आई वॉन्ट टू मेक रिव्यूज ऑफ एवरीथिंग आई गेट लाइक दिस, सो दैट आई कैन शेयर द नॉलेज दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू, कि विच थिंग इज वर्थ द मनी एंड विच थिंग इज नॉट वर्थ योर मनी। तो इफ यू कन्फ्यूज बिटवीन टोनर, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन, दिस वन इज अमेजिंग। ये इतना हाइड्रेटिंग लगता है ना, ऐसा लगता है कि पानी लॉक हो गया है मेरे स्किन के अंदर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। इट इज स्टिकी एंड आई लाइक इट बिकॉज इट्स स्टिकी। ये वाला भी अच्छा है, लाइक इट डज द जॉब, बट दिस फील्स लाइक लग्जरी। तो फेस वॉश जब करते हैं ना तभी पोर्स खुल जाते हैं। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कॉलेज के टाइम पे आई यूज टू जस्ट यूज हिमालय का वो नीम वाला फेस वॉश एंड आई यूज टू डू नथिंग, मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगा के फिर निकल जाती थी। एंड दैट्स हाउ आई थिंक आई यूज टू गेट पिम्पल्स, बिकॉज जब पोर्स ओपन होते हैं, लाइक ये आपका पोर होता है ठीक है, एंड वेन यू वॉश योर फेस द पोर ओपन्स अप, तो अगर आपने इसको वापस बंद नहीं किया तो ये ऐसे ही रहेगा एंड इसमें सनस्क्रीन तो जाएगा बट फिर डर्ट जाने के लिए अभी भी ये खुला है, तो फिर ये क्लॉग हो जाता है एंड फिर मस्त से पिम्पल निकलता है एंड देन यू हैव टू पॉप इट। तो डोंट डू दैट, मेक श्योर कि यू अप्लाई अ टोनर। आई थिंक रोज वाटर इज ऑल्सो अ नेचुरल टोनर, तो अगर आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं खरीदना जस्ट अप्लाई रोज वाटर और एलोवेरा जेल, बट अप्लाई समथिंग टू क्लोज योर पोर्स। तो इसलिए मैंने फटाफट पहले टोन कर लिया बिकॉज मुझे चेहरा धो के ऑलरेडी 10 मिनट हो गए थे, क्योंकि कपड़े पहने और कैमरा सेटअप किया तो उसमें टाइम निकल गया था। नाउ आई विल शो यू माई करंट फेवरेट वॉशिंग थिंग्स एंड दे आर फोमिंग क्लेंजर्स। ओ माई गॉड, व्हाई डिड आई नॉट नो अबाउट दिस बिफोर। सो फोमिंग क्लेंजर कैसा रहता है, आई थिंक आई टेक सम आउट ऑन माई हैंड एंड आई शो यू। सी, ऐसा शेविंग फोम जैसा रहता है, सो इट्स
quite foamy, and because of that I feel like this goes into my skin more easily क्योंकि ये already foam वाला ही है तो I don't have to sit and go in circular motions for 30 seconds to wait कि अब foam आएगा अब foam आएगा. ये पहले से काफ़ी ज़्यादा foamy है यार. तो दिस इज़ वन फेस वॉश विच आई थिंक मैं मेरे फोरियो के बिना यूज़ कर पाती हूँ. आई फॉरगॉट माई फोरियो, वेट मैं फोरियो भी लेके आती हूँ, हाथ भी धोके आती हूँ. सो दिस इज द फोरियो क्लेंजिंग ब्रश. ये बटन चालू करने से दिस स्टार्ट्स पल्सेटिंग और आई थिंक यू कैन कॉल इट वाइब्रेटिंग बट नॉट एग्जैक्टली वाइब्रेटिंग क्योंकि ये अंदर बाहर होता है विच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वाइब्रेटिंग. बट द पॉइंट इज कि इसका क्या काम है कि वेन एवर यू आर वॉशिंग योर फेस ये आपके फेस वॉश को और अंदर तक लेके जाता है टू मेक श्योर कि जो भी अंदर की डर्ट है वो निकल जाए. सो दैट्स व्हाई दिस हेल्प्स इन रिमूविंग ब्लैक हेड्स एंड ऑल. बट दिस इज सुपर सुपर एक्सपेंसिव. सो इफ यू डोंट फील लाइक इन्वेस्टिंग इन टू समथिंग लाइक दिस देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई अ फोमिंग फेस वॉश क्योंकि ये काफ़ी अंदर तक जाता है विदाउट अ क्लेंजिंग ब्रश. बट वेन एवर आई यूज अ नॉर्मल फेस वॉश लाइक दिस वन ये फोमिंग वाला नहीं है, ये नॉर्मल जेल वाला है. इसका भी आई शो यू कंसिस्टेंसी, इट्स जेल ऐसे. तो इसमें उतना फोम नहीं होता. तो वेन एवर आई यूज अ नॉर्मल फेस वॉश लाइक दिस तो आई ऑलवेज एंड अप यूजिंग माई फोरियो. ये मेरे पास आई थिंक 2 साल से तो आराम से है एंड ये इतना डिफरेंस लाया है मेरे स्किन के क्लेनलीनेस में कि मैं इसको बाहर गाँव भी लेके जाती हूँ. लाइक आई अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट अ स्किन केयर प्रोडक्ट इज बाय द फैक्ट कि मैं इसको बाहर गाँव भी लेके जाती हूँ कि नहीं. बिकॉज स्किन केयर को पैकिंग करना इज अ बिग हेडेक यार. सबको एकदम सील देखना पड़ता है, जिपलॉक बैग्स में डालना पड़ता है, यू हैव टू मेक श्योर इट डजंट लीक. तो आई डू ऑलवेज ट्रैवल विद दिस. तो या दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्किन केयर रूटीन. बट आई टोल्ड यू ये नहीं तो फोमिंग फेस वॉश. ओ हाँ, फोमिंग फेस वॉश में भी 2 अलग वाले हैं. ये नॉर्मल वाला है एंड ये लेमनी सेंट वाला है. तो इन द मॉर्निंग आई ऑलवेज यूज दिस बिकॉज दिस गिव्स मी अ बूस्ट ऑफ लाइक फ्रेशनेस. तो मैं फटाक से उठ जाती हूँ व्हेनेवर आई यूज दिस एंड इन द नाइट आई अवॉइड यूजिंग दिस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेट फ्रेशनड अप. दैट इज माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन प्रॉब्लम की जो मुझे ऑलरेडी नींद आ रही होती है एंड फिर मैं अगर मुंह धोने जाऊँ और फिर अगर मेरी नींद उड़ गई आई गेट सो एंग्री एंड दैट्स व्हेन आई फील लाइक मुझे स्किन केयर करना ही नहीं चाहिए था. सो दैट्स व्हेन दिस वन कम्स इन हैंडी, दिस वन एंड दिस वन. रात को मुझे सादे अच्छे फेस वॉशेज यूज करना पसंद है. So cleaning the face is as important as washing your hair and having a bath because imagine if you don't wash your hair for 2 weeks to kitna gand jama ho jayega. So the face is the same, face mein bhi utni dhool bas jati hai. So you have to clean your face after a toner. Typically I will only moisturize because I am lazy. I do get quite lazy with my skincare. My सुपर फेवरेट मॉइस्चराइजर इज ये हाइड्रो क्रेम वाला, चिया सीड वाला. बट अगेन आई नो कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है एंड पर्सनली इफ दिस इज नॉट ऑन ऑफर तो मैं भी शायद ये खुद के पैसे से नहीं खरीद पाऊंगी इफ इट्स नॉट ऑन सेल. तो आई हैव अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर यू ऑल्सो. बट इसका अगर नॉर्मल मॉइस्चराइजर को मैं 5/10 कहूँ तो ये 10/10 है. डिफरेंस उतना ज़्यादा है कंपेयर टू अ नॉर्मल मॉइस्चराइजर विच इज़ वाई आई लव इट सो मच. लाइक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि स्लाइम जैसा, लाइक जेली जैसा है. इट्स सुपर बाउंसी. आई डोंट नो हाउ टू एग्जैक्टली शो यू बट इट फील्स अमेजिंग ऑन द स्किन यार. इट फील्स सो अमेजिंग. तो इसको भी मैं बचा के यूज़ करती हूँ. हफ्ते में 2 दिन ही इसको यूज़ करती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दिस जार टू लास्ट अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. बहुत अच्छा यार ये वाला. अनदर गुड मॉइस्चराइजर इज ये वाला न्यूट्रीडर्म विटामिन ई. तो व्हेन आई डोंट फील लाइक यूजिंग द हाइड्रोक्रेम वन आई यूज दिस वन बिकॉज इट इज़ नॉट सुपर चीप. आई थिंक ये 650 रुपए का है. आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर बट इट इज़ सुपर गुड. इसका भी रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा आता है. तो रात को मैं काफ़ी बार ये वाला लगा देती हूँ या दिन में, लाइक आइदर ऑफ द टाइम्स. Now one product which I have used almost every single day even when I've not done my face ka skincare is this lip balm. Or actually it's a lip mask. Plum seed wala mask hai Dior Packer se and ye bahut jada hai. It is so thick
that this has been the best lip product I have ever tried. Like mere lips jo had tak kharab hote hain, my lips bleed and they don't stop bleeding. This is like soframycin for my lips. Itne acche se mere lips ko ye theek kar deta hai that it's amazing. This one is very expensive. 1295 ka iska price hai. But even if this is not on sale, I would buy it again with my own money for sure. Ek issue hai mujhe iske saath ki this also does the same thing like all other lip balms do on my lips. The next day, like agar maine raat ko laga ke soi hu, the next day around afternoon, ek white film jama ho jati hai mere lips pe and then I have to wash my lips and wipe it off. So I think the product comes out of my lips again, but my lips are definitely healed. Like mere lips theek ho gaye hote. So I don't know why it happens with all lip balms for me. कुछ भी लगा वो मेरे लिप्स के बाहर आ ही जाता है कुछ घंटों बाद बट दिस एटलीस्ट फिक्सेस माय लिप्स सो आई लव दिस थिंग अ लॉट. नाउ आई विल टेल यू अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स जो मैं यूज करती हूँ बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. द फर्स्ट कैटेगरी इज स्क्रब्स. आई हैव टू स्क्रब्स जो दोनों मेरे फेवरेट में आते हैं बट आई यूज बोथ ऑफ देम फॉर डिफरेंट पर्पसेस. द फर्स्ट वन इज ये पामर्स का कोकोनट वाला स्क्रब एंड दिस प्रोडक्ट वर्क्स द बेस्ट फॉर माय इयर्स. Like I told you, my ears are so weird. तो मेरे ears में जो भी मैल जमा हो जाता है ना, ये product उसको best निकाल पाता है to a point where they don't get dirty for at least a week. And I like that. मेरे में रोज मेरे कान साफ करने का patience नहीं है. Especially I like cleaning my ears only when I'm washing my hair. Because if I try to clean my ear properly, मेरे बाल गीले हो ही जाते हैं ये एरिया के. And I don't like wetting my hair every time. तो yeah, this is super for cleaning my ears. On the face, I think it's okay. Like I don't like using a scrub on an everyday basis. I like using it once or max twice a week. तो उसके लिए काफी माइल्ड है. Like I like to see a visible difference in on my skin when I wash off a scrub. तो अगर आपको माइल्ड वाले पसंद है तो this is definitely something for you. But if you like harsh, not harsh, but if you like strong भी गलत वर्ड है. I don't know, but if you like something more than mild, then this is the one because ये इतने अच्छे से मेरा skin clean कर देता है कि I use this every week and it's amazing यार. It's the Honey Black Sugar Scrub by Face Shop. And ये आपको dry चेहरे पे लगाना रहता है. I was quite shocked to find out and I'm like, हाँ, बिना पानी के how can you scrub something? But this does not work if your face is wet. It works but nowhere. Agar dry face pe this works 10 on 10, to on a wet face it works only 2 on 10. Itna difference hai. To dry face pe lagana rehta hai and ye thoda garam bhi feel hota hai skin pe. So you can feel it working and after you wash this off, the skin feels so smooth yaar, so smooth. So this is also super nice but this is again more expensive than this. But it's totally worth the money. I'm using this since 2-3 months and still there is so much product left. So आपको ये साल भर तो चली जाएगा. So mild के लिए ये and strong के लिए ये. Okay, next product I have is eye cream. This is the only eye cream I own and that's why I don't have a comparison or a substitute for this. Oh no, actually I do have another Calendula one, but I don't remember where I kept it. So recently I've only been using this. टू बी ऑनेस्ट इससे मुझे रिजल्ट आता है बट आई एम सो डैम लेजी कि आई फॉरगेट इट ऑन मोस्ट डेज. सो आई अप्लाई दिस वेन एवर लाइक आफ्टर मॉइस्चराइजर या आफ्टर टोन और बिफोर मॉइस्चराइजर बट वेन एवर आई रिमेंबर टू अप्लाई इट आई अप्लाई इट एंड अंडर आई पे लगाने के बाद जो भी बच जाता है मेरे फिंगर पे दैट गोज ऑन माई आईलिड्स. I'll try a few more alternatives of eye creams so that I understand कि इसका पैसा worth है कि नहीं है and if we do have cheaper eye creams, if you have any recommendations, let me know. I will try them out very soon. Of course, once the lockdown is over, I'll order them. I also have this emulsion. ये भी Face Shop के campaign में ही मुझे मिला था but I don't think I've even opened it because I cannot figure out how to use it. So if you know how to use an emulsion or if you have any favorite YouTuber who is good at skincare and who has shared how to use an emulsion, please mujhe batao because I would love to use it. See, this is what it looks like. So interesting to hai but mujhe seekhna hai ki isko kaise use karte hai. So this is the vibe of our channel. I'm not gonna be like a teacher and be like this product does this because we're in this to
together, bro. Like, I'm not trying to show कि मुझे आपसे ज़्यादा मालूम है. Whatever I know, whatever tips and tricks I have, I wait to share them with you. And जो मुझे नहीं मालूम मैं बिंदास आपको पूछ लेती हूँ कि मुझे नहीं मालूम यार, help me out. And the last category in my current skincare are butters. Now this one is an all-purpose butter. ये Face Shop का है. And this one is Mamaearth का Coco Body Butter. But what I have recently found out after the quarantine and lockdown is ki butters are 10 times better than hand creams. तो जब ही lockdown शुरू हुआ बर्तन मैंने दो तीन दिन किए and कुछ फर्क नहीं पड़ा, nothing happened. But on the fourth day, my skin from here started peeling off and I freaked out ki what? Why? That's when I realized कि जो बर्तन धोने का साबुन होता है वो बहुत harsh होता है, तो it's not good for our hands. And I started applying this hand cream. I used more than half of it. See, it's super chapta. And I think this will work better in winters. जहाँ पे बहुत ठंड होती है या अगर आप कहीं घूमने गए हो और वहाँ पे बहुत ठंड है तो उसके लिए अच्छे से काम करेगा. बट बर्तन का साबुन इतना ज़्यादा हार्श है कि द बटर्स आर डूइंग वंडर्स फॉर माई हैंड्स. अभी मैं बर्तन दो बार करती हूँ एक दिन में एंड स्टिल द हैंड्स, लुक एट माई हैंड्स, कहीं से कुछ भी स्किन नहीं निकली है थैंक्स टू बटर. तो अगर आपके भी हाथ काफ़ी पील हो रहे हैं, इफ़ यू हैव अ बॉडी बटर और एनी मल्टीपर्पज बटर लाइक दिस, ट्राई इट. दीज टू बटर्स में हाथ के लिए आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड दिस, बिकॉज इट्स नॉट ओनली चीपर देन दिस बट इसमें क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द जार. बट अगर आप फेस पे लगाने वाले हो फॉर सम रीजन देन ऑफकोर्स गो फॉर समथिंग लाइक दिस जो फेस पे लगा सकते हैं. एंड दिस वॉज माई स्किन केयर रूटीन. आई एम सो हैप्पी कि हमने ऐसे स्किन केयर रूटीन के बारे में बात किया, बिकॉज यूजली हाउ आई डू स्किन केयर रूटीन्स इज कि मैं लगाती हूँ एंड देन आई टेल यू अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एंड इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाती जितना हम आराम से ऐसे बात करके जब चिटचाट करते हैं ना, दैट इज मच मोर फन. आई थिंक नेक्स्ट आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो लाइक दिस फॉर माई हेयर, बिकॉज देर आर सो मेनी क्वेश्चन. लाइक आई हैव मेड सो मेनी हेयर रूटीन्स बट इन द सेम मैनर ऑफ वॉशिंग माई हेयर एंड अप्लाइंग द मास्क एंड शोइंग यू. तो आई वॉन्ट टू सिट डाउन एंड आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड टेल यू इन डिटेल अबाउट माई हेयर. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लीव देम डाउन बिलो एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विथ मोर रिव्यूज, मोर वीडियोज, मोर ब्लॉग्स एंड जस्ट अ लॉट ऑफ फन एंड पॉजिटिविटी. सो इफ यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, इफ यू डिडंट एंजॉय दिस वीडियो गिव इट अ थम्स डाउन, व्हाट एवर यू फील लाइक बी सुपर ऑनेस्ट विद मी. सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज. आई विल सी यू इन अ न्यू वन वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय. फैन तो बंद करना भूल ही गए, अभी आए. I'm enjoying this so much के घर पे आराम से I can wear a bright pink bra under a almost transparent white t-shirt because कुछ फर्क नहीं पड़ता.